पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण करवाए जाने का नियम बनाया गया था, परंतु बड़े अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अहमदाबाद के गांव सेखनपुरवा में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस गांव में 5 वर्ष पूर्व पूरे गांव में खंभों का जाल बिछाया गया और उन पर तार भी खींचे गए। गांव के बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी लगाया गया, लेकिन आज तक उन तारों पे करंट नहीं दौड़ाया गया, जिससे इस गांव के लोगों ने आज तक रोशनी नहीं देखी है, जिससे इस गांव के निवासी नरेश सहित 40 परिवारों के लगभग 200 लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समस्या है, आज के 5 साल पहले एक खंभे गड़े हमारे गांव में और तार भी खींचे गए, ट्रांसफार्मर भी गांव के बाहर रखा हुआ है और आज तक बिजली नहीं आई। जब खंभे गड़ रहे थे तो हम लोग, हमारे गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज तक एक ना उजाला हुआ और ना बिजली गांव तक आई। और हमारे गांव में अगर बिजली आ जाती तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता हम लोगों को, और बच्चे हमारे पैनल और बैटरी से पढ़ते हैं, और जब बदली हो जाती है तो चार्ज नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई बैटरी बैठ गई उसी जगह, पढ़ाई बंद। और दिक्कत क्या होती, चोरों का भय है और सांप बिच्छू का भी भय अंधेरे में है, पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी होती है, तो ये समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। आ जाएगी तो बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे आगे बढ़ेंगे, हम लोग जाहिल नहीं पढ़ पाए तो, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएं। अब वो तो समय है नहीं, जब पहले तेल मिल जाता था, तेल भी नहीं मिलता है। समस्या हमारे गांव में यही है, 5 साल पहले से खंभे गड़े हैं और खंभे पे अभी बत्ती नहीं आई है। 40 लोगों का परिवार है गांव के अंदर, लगभग 200 लोग हैं उसमें, सबको परेशानी हो रही है, इसी बात से बत्ती नहीं आई है। तहसील गए, SDM को अप्लीकेशन दिया, विधायक जी को अप्लीकेशन दिया, पावर हाउस को गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बत्ती हमारे गांव में आ जाए। बत्ती आ जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? बत्ती आने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, घर का उजाला हो जाएगा, बाथरूम का उजाला होगा, बूढ़े बुजुर्ग सब इधर उधर जाते हैं, गड्ढे और नाली हैं, चोरी चंदाली होती है। और फिर हमारे गाँव में पैनल लगे थे, 5 पैनल खोल गए, अगर बत्ती होती तो पैनल नहीं खोले जाते। अपने समुदाय की समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद मीटिंग में स्क्रीनिंग करते हुए समस्या समाधान के लिए जब सब डिविजनल ऑफिसर बिस्वा से बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें ये प्रकरण 4 साल पुराना है, जिसमें बजाज एजेंसी ने विद्युत लाइन की जो बनवाने का कार्य था उसके अंडर में हो रहा था, और वहाँ पर कुछ गांव जो बाईपास है भोलागंज वाले और एक तरफ सेखनपुरवा वाले, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था कि हम यहां से लाइन नहीं निकलने देंगे, तो उस वजह से बजाज ने थोड़ा काम वहां पेंडिंग छोड़कर कहीं और काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो विवाद कभी सुलझा ही नहीं, इस वजह से वो कार्य हमेशा पेंडिंग रहा है और बजाज एजेंसी अपना कार्य संपूर्ण करके जा चुकी है यहाँ से। तो उसके लिए हम लोगों ने कई लेटर भी भेजे हुए हैं, जेई साहब ने भी, हमने भी डिवीजन को लेटर भेजे हुए हैं, उस पर कार्य चल रहा है। ऐसे साहब को भी संज्ञानित किया गया इस मामले में, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द वहाँ पर विद्युत लाइन आपूर्ति सही की जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारी बात जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचे और हमारी समस्या का समाधान हो। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।